सतगुरुये गुरुदेव नाम की सार प्रभु का पावन नाम सतगुरु शिव भोला बरदानी सतगुरु शिव भोला जिस पर दया होए शिव संग सतगुरु परम दानी सतगुरु परम दानी सेओ शंभु सतगुरु मुरनामी सेओ शंभु सतगुरु मेरे नामी शंकर है बरदानी अलग नहीं रजधानी अलग नहीं रजधानी मन चित लगा के सब जन बोलो मन चित लगा के सब जन बोलो सत नाम की खानी सत नाम की खानी सत सतगुरु नाम पुकारो सतगुरु नाम पुकारो नाम सत लासानी नाम सत लासानी सतगुरु चरण शीस झुकाओ सतगुरु चरण शीस झुकाओ प्रेमियों सतगुरु की बड़ी दया कृपा अनुकंपा होने पर ही हम सब एकत्र होते हैं। उनकी दया होती है तो दस पांच चार हजार लाख संगी इकट्ठा होते हैं जगह पर और मालिक की चर्चा होती है। तो ये शब्दों का गुणगान संतों का गुणगान शब्द भेदी संत ही बताते हैं। शब्द भेदी संत का तार जिस सत्संगी से जुड़ जाए जिससे जुड़ जाए वही पोंगा बोलने लगेगा जिस पर गुरु की दया हो। सतगुरु की दया जिस पर हो जाए वो बोलता है और सच्चा सौम्य कड़ा बोलता है। कड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खरा बोलता है। सच्चाई बोलेगा कुछ चाट पाटता नहीं रहेगी। तो प्रेमियों ये सुरत जीवात्मा जब अपने देश से आई और यहां कर्मों के विधान में फंस गई उसके बाद उसने आवाज लगाया। जब अनामी महाप्रभु लेने आए तो उन्होंने समझाने का सिलसिला शुरू किया। तो जैसे हम वैसे सूरत। तो समझाने का जब सिलसिला शुरू किया
तो सूरत के नाना प्रकार के प्रश्न अनन्य प्रश्न होते हैं। अनन्य प्रश्न के वो पूछती है और तरह तरह के दुख झेल ही चुकी है तो अनन्य प्रकार के प्रश्न को पूछती है। पूछ करके तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि यहां इतना धक्का खा चुकी है। सतगुरु प्यारे बहु समझामी, सतगुरु प्यारे बहु समझामी, देश तुम्हारो खोली बतामी, देश तुम्हारो खोली बतावे। सतगुरु जो है वो प्यारे हैं, वो समझा रहे हैं और तुम्हारे देश को जो सद्धाम है, जो अनाम धाम है, उसको भी खोल खोल करके बतला रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, फिर भी सूरत की समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतना भरम चुकी है, इतना परेशान हो चुकी है कि उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। और वो बार बार समझाते हैं, बच्चा यही राह सही है, यही राह सही है, यही सत्य है। समझता समझता बहु दिन बीते, समझता समझता बहु दिन बीते, राम नाम कहू परतीते, राम नाम कहू परतीते। समझाते समझते बहुत दिन बीते पर राम नाम की प्रतीत प्रीत प्रीत रीत हुई ही नहीं। जो सच की बात बताई जा रही है उसमें लगन लगी ही नहीं। अब क्या कहें, जब लगन नहीं लग रही है, सदगुरु समझा रहे हैं और बतला रहे हैं, फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जाए। यहां बहुत से लोगों को समझाया जाता है, बुझाया जाता है, बताया जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। समझा बताया अपना कर्तव्य। तो स्वामी ने समझाया, नामी ने बतलाया, पांचों देशों को, हर राज्यों को, हर चीजों को सुनाया और समझाया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि मैं तेरे संग ही रहूंगा, अब तू चिंता मत कर। नित नई रीत प्रीत जगेगी, नित नई बातचीत होगी, पर तू अपने प्रेम प्रतीत में लगा रहा। तो इसी तरह सतगुरु समझाते पर सूरत समझती नहीं। हम नहीं समझती है तो क्या किया है? समझना तो उसे पड़ेगा है। देश अपनों की तनो कितना निर्मल कितना पवित्र अपना देश है, और उससे ज्यादा प्यारा तो कोई चीज है भी नहीं। तो उस प्यारे देश में चलो, अपने देश में चलो। यही सतगुरु बारंबार समझा रहे हैं। सत्य